नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास सीरीज बाहुबली में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 1975 में पहली बार ब्रिटेन में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। सारी दुनिया पर क्रिकेट की दीवानगी का दौर शुरू हो चुका था। इसी दौरान भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक असाधारण कद काठी वाला नौजवान क्रिकेट के मैदान में पसीना बहा रहा था। तब वो गोलियों से नहीं गेंद से खेलता था। तब उसके हाथों में कानून की हथकड़ी नहीं बल्कि कॉलेज की किताबें हुआ करती थी। तब वो बंदूकों से नहीं बैट से खेलता था। वो पूर्वांचल का मशहूर क्रिकेटर था जो अचानक ऑलराउंडर से पूरब का अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। ये उस क्रिकेटर के क्राइम का खोखार इतिहास है जो किसी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्म की तरह है। बात तब की है जब मुख्तार अंसारी का पुलिस माफिया बदमाशों के गैंग और सफेदपोश सियासी लोगों से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तब वो गैंगस्टर के हिट लिस्ट से बहुत दूर क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने बहुत तेजी से सब कुछ बदल कर रख दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी। 1947 और 48 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध चल रहा था। उस वक्त भारतीय सेना के जाबाजों को लेकर देश की ओर से ब्रिगेडियर उस्मान जंग लड़ रहे थे। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी सेना का मुखिया बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने तिरंगे का दामन कभी नहीं छोड़ा। इस जंग में वो शहीद हो गए। तब मुख्तार अंसारी 17 साल का था। शहीद ब्रिगेडियर उस्मान रिश्ते में मुख्तार के नाना थे, लेकिन मुख्तार ने अपने नाना की जिंदगी, उनके जज्बात और शहादत से कोई भी सबक नहीं लिया। इसीलिए उसने वो रास्ता चुना जिसमें जंग तो थी लेकिन देश के लिए नहीं बल्कि गुनाहों के लिए। 1970 के दौर में उत्तर प्रदेश में कई सरकारी योजनाएं लाने की तैयारी चल रही थी। अगले 5 साल में रेलवे के ठेके, सरकारी निर्माण से जुड़े हुए करोड़ों रुपए के काम और दर्जनों योजनाएं पूर्वांचल में जमीन पर नजर आने लगी। लेकिन इन सब के बीच यूपी और खास तौर पर पूर्वांचल में विकास की बुनियाद पड़ने के साथ साथ गैंगस्टर की सबसे खूंखार फसल भी तैयार हो रही थी, क्योंकि सरकारी ठेकों के लिए वर्चस्व जरूरी हो गया था। वर्चस्व के लिए गैंग बने और गैंग का दबदबा बरकरार रखने के लिए गैंगस्टर बनने की जंग भी शुरू हो गई। इन्हीं गैंगस्टर में एक नाम था मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुनाहों का सफर दर्जनों शूटआउट, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जे, मछलियों के ठेके और क्राइम के लंबे इतिहास से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत हुई 80 के दौर में। सबकी नजरों में मुख्तार अंसारी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक फास्ट बॉलर था। मोहम्मदाबाद के लोग ये बताते हैं कि कॉलेज में उसे 6 फुटिया कहते थे। बाकी तो भाई अफजाल और सिबगतुल्ला बैट्समैन थे। ये तीनों गाजीपुर में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्रिकेट किसी दौर में एक ऐसी बाउंसर उसकी जिंदगी में आई जिससे हिट करने के चक्कर में मुख्तार अंसारी ने बॉल छोड़कर बंदूक उठा ली। गाजीपुर में जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार के पिता का सियासत में भी दखल था। वो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के नगर पंचायत चेयरमैन थे। उसी समय पंचायत के एक ठेके को लेकर सच्चिदानंद राय से उनका विवाद हो गया। गाजीपुर में राय बिरादरी की संख्या इतनी ज्यादा थी जिसे चाहे अर्श पर पहुंचा दे और जिसे चाहे फर्श पर ला दे। सच्चिदानंद राय अपनी बिरादरी के दम पर मुख्तार के पिता से भिड़ गए। मोहम्मदाबाद बाजार में मुख्तार के घर पहुंचकर उस शख्स ने खूब हंगामा किया। भरे बाजार पिता के इस अपमान का बदला लेने के लिए मुख्तार ने इस पूरे विवाद में चुपचाप एंट्री ली। मुख्तार को यह लगा कि भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, पिता नगर पंचायत के चेयरमैन, लंबा चौड़ा परिवार है तो फिर डर किस बात का। यही सोचकर उसने सच्चिदानंद राय को उसी के गांव में जाकर गोली मार दी। इस घटना के बाद गाजीपुर के लोगों को यह मालूम हो गया कि फास्ट बॉलर मुख्तार अब खून की होली खेलने की तैयारियां कर चुका है। इलाके में दबंग सच्चिदानंद राय की हत्या में दो लोगों ने मुख्तार की मदद की, साधु सिंह और मखनू सिंह।
ये दोनों मुड़ियार के रहने वाले थे और मुख्तार की कदकाठी देखकर दोनों बदमाशों ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। साधु और मखनू ने मुख्तार के पिता का बदला लेने के लिए उसकी मदद तो की, लेकिन बदले में एक बड़ी कीमत भी वसूली, जिसके लिए मुख्तार राजी भी हो गया। साधु और मखनू, बेशक ये नाम आपने नहीं सुने हों, लेकिन ये वो दो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु कहे जाते हैं। कहा यह जाता है कि साधु और मखनू ने मुख्तार अंसारी को पहले अपने गुर सिखाए और उसके बाद उससे वो गुरु दक्षिणा मांगी, जिसके बाद पूरे पूर्वांचल में गैंगस्टर्स, सियासत, समाज और पूरी क्राइम हिस्ट्री का भूगोल बदलने वाला था। गाड़ी का नंबर 786, लंबाई 6 फीट से ज्यादा, बड़ी बड़ी मूछें, आंखों पर चश्मा। सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी दूर से पहचान में आने वाले मुख्तार अंसारी ने अपने आपराधिक गुरु साधु और मखनू के कहने पर रणजीत सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। रणजीत सिंह साधु और मखनू का दुश्मन था। उसकी हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया, वैसा शायद ही किसी शार्प शूटर ने अपनाया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने रणजीत सिंह के घर के सामने रहने वाले रामू मल्लाह से दोस्ती की और फिर रामू मल्लाह के घर में एक सुराख करवाया। ठीक वैसा ही सुराख रणजीत सिंह के घर में भी करवाया गया। अब वो सीधे रामू मल्लाह के घर से रणजीत सिंह के आंगन में देख सकता था। एक दिन रणजीत सिंह अपने आंगन में घूम रहा था, सटीक निशानेबाज मुख्तार अंसारी ने निशाना लगाया, एक गोली चली और रणजीत सिंह ढेर हो गया। मुख्तार पर आरोप लगा था कि उसने अपने आपराधिक गुरुओं के कहने पर उसके सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया था, लेकिन अब बारी मुख्तार के गुरुओं की थी। किसी को नहीं मालूम था कि दबंग रणजीत सिंह की हत्या के बाद वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर तक क्या होने वाला है। 1988 में गैंगस्टर ब्रजेश सिंह ने अपने गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। पहली बार मुख्तार को उसी के गढ़ में किसी ने इतनी बड़ी चुनौती दी थी। हालांकि इससे पहले मुख्तार और ब्रजेश का कभी आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन मुख्तार के आपराधिक गुरु की हत्या के बाद पूर्वांचल खूनी गैंग वॉर के दलदल में डूबता चला गया। गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और मुख्तार का अपराध की दुनिया में उदय लगभग एक ही साथ हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग गुट से थे, इसीलिए टकराव और बेहिसाब शूटआउट ये आम बात थी। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी ने ऐसा गोलीकांड किया जो यूपी पुलिस के रजिस्टर में हमेशा के लिए सबसे खोखार गुनाहों में दर्ज हो गया। ब्रजेश सिंह के आपराधिक गुरु त्रिभुवन का भाई राजेंद्र वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। ये आरोप है कि मुख्तार ने वाराणसी पुलिस लाइन में घुसकर चलती जीप से उसे गोली मारी। चलती जीप से भी उसका सटीक निशाना चूका नहीं। पुलिस लाइन में घुसकर पुलिसकर्मी राजेंद्र की हत्या के बाद मुख्तार और उसका गैंग पुलिस की नजरों में चढ़ चुके थे। मुख्तार अंसारी जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का मजारिया हिस्ट्री शीटर 16B है तथा इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम है। पूर्वांचल में गैंगवार की गोलियां मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के गैंग के बीच वाराणसी से गाजीपुर तक गूंजने लगीं। कभी सरकारी ठेके तो कभी बदले की नीयत से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच 1985 से 1990 के बीच 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। इसी बीच मुख्तार ने एक बड़ा दांव खेल दिया। उसने अपने गुनाहों को सियासत के पर्दे में ढकने की कोशिश की। यूपी के गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद सीट मुख्तार के परिवार की राजनीतिक विरासत मानी जाती थी। 1980 के बाद से लगातार उसका परिवार ही लड़ता और जीतता रहा। यहाँ पर 60% से ज्यादा भूमिहार और करीब 7-8% मुस्लिम हैं। लेकिन मुख्तार और उसके परिवार ने जातिगत समीकरण अनुकूल ना होने के बावजूद भी भूमिहारों के एक बड़े वर्ग को अपने साथ कर लिया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार का भाई अफजाल विधायक था, इसीलिए उसने गाजीपुर सीट का रुख किया। 1991 में गाजीपुर सदर से गुलाब के निशान पर निर्दलीय पर्चा भरा। मुख्तार ने सोचा था कि बंदूक के दम पर उसे वोट मिल जाएंगे और उसकी गैंग उसे चुनाव जितवा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकतंत्र के मैदान में पहली बार उतरने पर ही उसे पटखनी मिल गई और वो चुनाव हार गया। असल में सरकारी ठेकों को लेकर गैंग वॉर तक बात सीमित होती
तो शायद लोग नजरअंदाज कर देते। लेकिन जिस तरीके से उस पर लोगों की जमीनें कब्जाने का आरोप लगने लगा था, उसी के अपने इलाके के लोग उसके खिलाफ पुलिस थानों का रुख करने लगे थे। मुख्तार अपनी पहली राजनीतिक हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक बार फिर उसने गुनाहों की दुनिया का रुख किया, क्योंकि वो जानता था कि सियासी हार जीत पर उसका जोर नहीं है। लेकिन अपराध की दुनिया में अगर वो कमजोर पड़ गया तो बंदूक के दम पर बनाया करोड़ों का साम्राज्य बिखर सकता है। इसीलिए अब मुख्तार ने अपना एक हाथ गुनाहों की दुनिया में रखा और दूसरे हाथ से वो सियासी किस्मत को आजमाता रहा। 1993 में एक बार फिर पूर्वांचल में बृजेश सिंह की वापसी हुई। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी की जंग अब एक नया रूप ले चुकी थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अब विधानसभा में कदम रख चुका था। विधायक का पद उसके गैंग के लिए ढाल और सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में मददगार बन गया था। अब वो आपराधिक बाहुबल और राजनीतिक बाहुबल का इस्तेमाल कर बृजेश सिंह को कमजोर करने की प्लानिंग करने लगा। 1996 में मुख्तार ने अपना जिला गाजीपुर छोड़कर मऊ सदर से विधानसभा का पर्चा भरा। बीएसपी के टिकट पर मऊ के लोगों ने उसे पहली बार विधानसभा पहुंचाया। विधायक बनने के बाद मुख्तार को अपने गुनाहों के लिए राजनीतिक संरक्षण मिल गया। राजनीतिक संरक्षण में मुख्तार के गैंग का साया पूर्वांचल में अब और ज्यादा प्रभावी होने लगा। लेकिन बृजेश सिंह चुप नहीं बैठा। उसने तत्कालीन बीजेपी नेता और दबंग छवि वाले विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया, क्योंकि कृष्णानंद राय ने मुख्तार की पारिवारिक सीट मोहम्मदाबाद में ही उसे चुनौती दी थी। कृष्णानंद ने मोहम्मदाबाद से मुख्तार के परिवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोंक दी और मुख्तार दो तरफा चुनौतियों में घिरने लगा। एक तरफ गैंगस्टर बृजेश सिंह गुनाहों के सफर में उसका रास्ता रोक रहा था, तो दूसरी ओर सियासी दुनिया में कृष्णानंद राय से उसे टक्कर मिलने लगी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मुख्तार, बृजेश, कृष्णानंद राय और पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में तहलका मचा दिया। मुख्तार अंसारी की गाड़ी को घेरकर एक ट्रक में बैठे हमलावरों ने दर्जनों गोलियां बरसाई। 20 साल में पहली बार गैंगस्टर मुख्तार पर किसी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। अब वो होने वाला था जिसके बारे में ना तो पुलिस को अंदाजा था ना ही किसी गैंग ने सोचा होगा, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी उस शख्स को सजा देने की साजिश रचने लगा था जिसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। We'll be right back.